बच्चों नमस्कार। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संदीप मिश्रा, आपका गणित टीचर। इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम का विभाजन निम्नवत है। पहली यूनिट है संबंध तथा फलन, जो 10 अंक की बोर्ड परीक्षा में आती है। इसमें जो टॉपिक होते हैं वो रिलेशन एंड फंक्शन तथा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। दूसरा यूनिट है बीजगणित एलजेब्रा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, इसे आव्यूह कहते हैं, और दूसरा होता है सारणिक। ये 13 नंबर की बोर्ड परीक्षा में आती है। अगली यूनिट है कैलकुलस, बहुत बड़ा पार्ट है, 44 अंक की बोर्ड परीक्षा में आती है। इसके अंतर्गत हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी पढ़ते हैं, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ते हैं तथा इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं, और समाकलन के अनुप्रयोग तथा अवकल समीकरण को इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। काफ़ी बड़ा पोर्शन है, इम्पोर्टेंट भी है। अगला पार्ट है इस पाठ्यक्रम का, जो चौथे के नाम से जाना है, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। ये 10 अंक की है, आती है परीक्षा में। इसके अंतर्गत हम वेक्टर्स को तथा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला यूनिट है रैखिक प्रोग्रामिंग, जो 6 नंबर की आती है। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तथा लास्ट टॉपिक है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जो इंटरमीडिएट में 10 नंबर की आती है। आज हम आपको पहले यूनिट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे, ध्यान से समझ। बच्चों देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनो मेट्री या मैट्रिक फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको थोड़ा पूर्व ज्ञान की ओर ले चलते हैं। आप जानते हैं sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। अब यदि आपसे कोई ये जानना चाहे कि साइन का वह कोण बताइए जिसका मान 1/2 के बराबर होता है, तो आप क्या कहेंगे? यदि कोई कहे कोसाइन का वह कोण बताइए जिसका वैल्यू √3/2 होता है, आप बताएंगे 30 अंश। इसी क्रम में यदि हम ये कहें sin θ = x, अर्थात कोण थीटा की ज्या का मान x है, कोण थीटा की साइन का वैल्यू x है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि थीटा वह कोण है जिसकी ज्या का मान x के बराबर है। इस कोण को यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें, बताना चाहें, तो थीटा बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अर्थात इनवर्स फंक्शन उसके मान को बताता है। साइन इनवर्स एक्स को ये बिल्कुल ना जाने कि 1/sin x है। साइन 30 अंश का वैल्यू बन भाई 32, तो 30 डिग्री को अगर साइन के रेफरेंस में बताना हो तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2, 1/2। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स वह दिया गया संख्यात्मक कोण है जिसके कॉस का वैल्यू एक्स के बराबर है, जिसके कॉस मानी कोसाइन का वैल्यू एक्स के बराबर है।
टेन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होगा? वह दिया गया संख्यात्मक मान है जिसके टेंजेंट का वैल्यू, टेंजेंट का वैल्यू एक्स के बराबर है। इस तरह से जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उन सब के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद होते हैं। एक और बिल्कुल समझ लीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं होता साइन एक्स की पावर -1 के। इस बात को अच्छी तरह से आप लोग जान लीजिए। गलती से साइन इनवर्स एक्स को 1/(sin x) ना समझें। इससे स्पष्ट हुआ इसकी परिभाषा से कि ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजन, ध्यान से समझना, ऐसे सभी, क्योंकि आपको रिटेन वर्क हम पहले ही करा चुके हैं, खाली समझ लीजिए, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजन जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन अथवा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ये होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इन्हें आप याद रखना।